जोहार दोस्तों, जेटेट का आयोजन कब होगा, सिलेबस कब आएगी, सेक्शनल कटऑफ हटेगी या नहीं, ये सभी डाउट आपका मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जेटेट का आयोजन कब होगा, तो मैं आपको बता दूँ जेटेट का आयोजन आपका कल जब हम लोग जैक के ऑफिस गए थे तो वहाँ पर जो अध्यक्ष हैं जैक के उन्होंने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो लिया जाएगा, ये एग्ज़ाम जो है इसके लिए हम आपको मिनिमम एक महीने का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल दूसरी एग्ज़ामों में व्यस्त हो जाएंगी, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो एग्ज़ाम्स लेंगे 8वीं 9वीं 10वीं प्री बोर्ड ये सब का एग्ज़ाम में व्यस्त हो जाएगा। तो मान के चलो दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के आसपास में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आगे जो है यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी और सरकार की तरफ से ज़बरदस्त दबाव है। 20 से 25 सितंबर तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल PTT एग्ज़ाम्स लेने वाला है, यानी प्राइमरी टीचर एजुकेशन की जो पढ़ाई करते हैं, DLED की पढ़ाई करते हैं, उनके एग्ज़ाम्स लेने जा रही है। तो 20 से 25 तो आपका एग्ज़ाम होना नामुमकिन है, यानी आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा, इसलिए आप लोग अक्टूबर तक तैयार रहें। जहां तक सिलेबस की बात है तो हम लोगों ने सिलेबस को बदलाव करने के लिए प्रोजेक्ट भवन ऑलरेडी गए हुए थे, उस टाइम 28 तारीख को हम लोग गए थे, 29 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी, लेकिन सिलेबस में संशोधन नहीं हुआ था तब तक, क्योंकि नियमावली में गड़बड़ी थी, तो नियमावली को चेंज करने के लिए समय की ज़रूरत थी। मैं आपको बता दूं कैबिनेट की मीटिंग कल है, यानी 6 तारीख को फिर से मीटिंग है, यानी मुझे पूरी उम्मीद है कि सिलेबस में संशोधन हो जाएगा और आपका जो नियमावली है वो संशोधन होकर आएगा, उसके बाद पूरा पूरी सिलेबस में बदलाव होगा। इसको लेकर हम लोगों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल में वहाँ के जो अध्यक्ष हैं अनिल महतो से भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि आपका जो सिलेबस है पूरी तरह से बन के वहीं से आएगा, यानी शिक्षा विभाग से ही बन के आएगा, उसके बाद आपको सिलेबस मिलेगा जो कि आपके NCT गाइडलाइन के ही अनुसार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अंतिम में हम लोग बात करते हैं सेक्शनल कटअप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सेक्शनल कटअप है इसे भी शिक्षा विभाग के द्वारा हटाया जा रहा है। हालांकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आपका जो सेक्शनल कटअप है उसको हटाया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें कि आपका जो सेक्शनल कटअप है, यानी प्रत्येक जो सब्जेक्ट्स है, जितने भी आपके विषय हैं उसमें आपको जो पास होना था वैसा कटअप मार्क्स नहीं रखा गया है, आपको कुल मिला के STSC का जो कटअप रखा गया है आपका वही रहेगा 50%, OBC का जो कटअप रखा गया है 55% वही रहेगा, जनरल का जो कटअप रखा गया है 60% मार्क्स उतना ही आपको लाना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, और कुछ भी मन में डाउट होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अंतिम में यही कहूँगा कि आप लोग निश्चित पढ़ाई करें, पुराना सिलेबस से पढ़ाई करें, और बहुत जल्द कल आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, आपको सिलेबस को लेकर, सेक्शनल कटअप को लेकर, और JTET का परीक्षा आपका अक्टूबर में होने जा रही है। इसलिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 1 महीना है, इसलिए आप लोग जी जान लगा के पुराने सिलेबस से ही पढ़ाई करें। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, सारा का लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों।